रजौरी से वाया मजाकोट चल रही है मेट्रो के लिए, तो पहले ही शॉर्ट चल रही है जनाब को पता ही है, तो इसलिए साना चंडक मंडी और लोअर रुको फीड। सत्कार जो डिप्टी कमिश्नर साहब असिस्टेंट कमिश्नर साहब एडिशनल डीसी साहिबदार, चावल भी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि है माह रमजान है, रोजे रखने हैं, रोजा रखने की मदद चाहिए सब करके, वाहेगुरु तौफीक बख्शे इन्हों असी एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कॉल पे जो है कॉल कर सके। वैसे भी गर्मी का महीना है, अब आपने गर्मी में ही चलाना ही चलाना पड़ेगा। आपने पीएचई ने भी और आपने भी पीडीडी ने भी, आपने दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रोल रूम गर्मी में चलाना ही चलाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी पानी की और बिजली की गर्मी के दौरान आती है। एक बार छोटा सा इशू सर, अगर जनाब उसमें थोड़ा सा जम्मू से मंगवाना पड़ता है तो राइस का जो कमर हम 5 तारीख को शुरू कर देते हैं, आटा जम्मू से आटा वो भी मंगवा लेंगे लेट। आज अपनी बात करवा देंगे उनसे, बात कर लेंगे अगर वो पहले हो सकता है तो पहले पहले कर, तो वो तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं अगर आपको पास फिजिकली अवेलेबल है। तो विलेजेस में भी हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी ये कौन फर्स्ट ऑनलाइन आ रही है, इसके जो पेरीखंडक मंडी और लोड को फीड कर दिया है वो ओवरलोडेड ज्यादा है, उसमें दोनों फीडर्स नहीं चल सके। लेकिन इससे थोड़ा सामान जो लगता है बुला के फटाफट हम ठीक करवा देंगे। मेंटर वाले जो थे मेंटर वाले सर आज हो जाएंगे, आज छजवा हो जाएगा। छजवा में दो है ना, एक 250 वाला है, एक 250 वाला, तो एक 63 वाला। अब 250 वाले में इधर की काइने जो थी हमारी 2 का सिर्फ खराब होता वो डाली है, तो वो आज मैं डिस्पैच करने की कोशिश करता हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारा जो माहे रमज़ान आ रहा है उससे रिलेटेड मीटिंग हुई, और उसमें जो डिफरेंट जो मौलवी साहिबान थे उन्होंने भी अपने इशू रखे कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के जो लोग थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, या फिर जो है जो CAPD डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड हो, उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो ये इंश्योर करें कि लोगों को रमज़ान महीने से पहले पहले उनको राशन भी जो है वो मिल जाए। इसके अलावा बिजली और पानी की जो हमारी इश्यूज़ रहते हैं उसमें भी किस तरह से रमज़ान के महीने को देखते हुए बिजली के शेड्यूल को रीशेड्यूल थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को ख़ास तौर पर इफ्तारी के समय पर और जो त्रावी के टाइम पर और सुबह सहरी के टाइम पर वो लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से उस समय जो है बिजली मिल पाए। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनको भी यह हिदायत दी गई कि चाहे वो मार्केट चेकिंग से रिलेटेड हो, कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट चेकिंग की जाए, जिससे कि कहीं पर भी अगर कहीं भी कोई भी अडल्ट्रेशन ऑफ फूड हो रहा है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। और इसके अलावा जो मैं पूरा जो हमारा पुंछ की आवाम है उनसे भी अपील करूँगा कि जो माह रमज़ान हमारा जो अब एक पवित्र महीना आ रहा है उसमें उन्होंने अपना जो फ़राइज़ है उनको तो अंजाम देना ही देना है। उसके साथ साथ उन्होंने उनसे भी जिस तरह से वो हर बार एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन करते रहे, मैं उनसे फिर से एक बार ये अपील करूंगा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन करना है, और अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो उसको फौरी तौर से हमारी नज़र में लाना है, सो दैट हम उसको जल्द से जल्द सोल्यूशन कर सकें। इसके अलावा जो हमारा जो मेन जो इशूज़ रहते हैं वो जनरली क्योंकि बिजली और पानी से रिलेटेड रहते हैं, तो दोनों ही डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो एक अपना कंट्रोल रूम हमारे जो तीनों इलाके हैं हवेली पुंछ और हवेली मेंढर और सूरनकोट, उसके लिए वो अपना एक कंट्रोल रूम जो है वो डेजिग्नेट करें, जहाँ पे अगर किसी भी पर्सन कोई इशू हो तो वो वहाँ पर बिजली से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर उनको कंसर्न पर्सन को कॉल करके उसको वहाँ पर इन्फॉर्म कर सके, सो दैट फौरी तौर पर उसका रेजोल्यूशन हो सके।